नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर का दीक्षांत समारोह 29 दिसंबर को आयोजित होगा। इस समारोह में डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, वैज्ञानिक एवं महानिदेशक रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान रक्षा मंत्रालय मुख्य अतिथि होंगे। NIT के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुशील चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रशासकीय परिषद करेंगे और समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। NIT के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुशील चौहान ने बताया कि संस्थान ने अपने 913 भावी इंजीनियरों को मुख्य अतिथि के हाथों डिग्रियां देने का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें से 763 भावी इंजीनियरों को डिग्री व 150 को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। NIT ने दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिनमें सम्मानित होने वाले भावी इंजीनियरों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। प्रोफेसर चौहान ने बताया कि लंबे समय के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जिन छात्रों को डिग्री मिलने का समय हो गया है, उन्हें बाद में कार्यक्रम करके डिग्रियां दिए जाने के लिए योजना बनाई गई है। ये हमारा 8th कॉन्वोकेशन है और ये 29th को हो रहा है और ये 10 बजे से शुरू होगा। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा हैं। ये जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं ब्राहोमास प्रोजेक्ट के, और इसमें हमारे जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी इस कॉन्वोकेशन को प्रेजाइड ओवर करेंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री रेसिपेंट्स जो है ये 763 है और जो मेडलिस्ट हैं, जो मेडल लेंगे वो 150 स्टूडेंट्स हैं। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस रहे हैं जिसमें हमारे गैप ईयर जो हैं वो 3-4 साल जो हैं उसमें नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो कॉन्वोकेशन है ये हर साल ऑर्गेनाइज होगा और इट विल बी पार्ट ऑफ एकेडमिक कैलेंडर। हाँ, वो उनका बच्चों का रिप्रेजेंटेशन है कि जो इस गैप ईयर के हैं, जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि हमें भी इसको डिग्री जो है वो कोई चीफ गेस्ट जो है उनके सामने जो है कन्फर हो, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट इज ऑन द जॉब और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ये सारा हम कंडक्ट करेंगे। उन लोगों को भी बुलाएंगे जो गैप ईयर के बच्चे हैं। तो हमारा कोई रोल नहीं रहता है, ये एडमिशन जो है एक सेंट्रल बॉडी है वो उसको कंडक्ट करता है और उस पर अपने एक नॉर्म्स हैं कि कैसे उसका एडमिशन होना है। उसमें 50% स्टूडेंट जो है वो हिमाचल के होते हैं, 50% स्टूडेंट जो है वो अदर स्टेट के होते हैं। तो जैसे जैसे मेरिट होती है, अब यूपी के बच्चे जो है मेरिट में अच्छे हैं तो नेचुरली वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। हाँ, वो जो जैसे मेरिट होगी, जिस तरह से उन्होंने JEE मेन में स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंगली होता है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो तो सेंट्रल एजेंसी है, जो एडमिशन तो उसी एंड पे होता है।